Hello student, welcome back to climate. And we have already learned about the concept jet streams, western cyclonic zone, El Nino, southern oscillation and everything whatever we need, especially about the pressure movement of the wind. So now let's see cumulatively how they affect Indian monsoon. Ya India mein barish kaise hoti hai, ya India ka barish ka system kya hai, aur baki ke mausam bhi. So getting back to our topic, the Indian monsoon. Let's understand a basic concept, then I'll take you through the slides or each and every line I'll explain you so that you are not bogged down by the content, especially the directions of the wind and all. So, usko kabhi zyada dimag mein pressure mat dijiye, baar baar wahi cheeze aayengi, kyunki wo cheeze baar baar aati hain, we get confused, hume lagta hai bahut zyada hai, but zyada kuch nahi hai, but concept hai. So, keep this map in mind, these directions in mind, these are the movement of the wind. This is the landmass, this is the ocean. Barish honi hai to fir seedhi si baat hai ki wind kahan se move honi chahiye? Ocean se. Ocean se kyun honi chahiye? Kyunki wo pani laegi. Pani laegi tabhi yahan pe barish hoga. Fir agar main isse ulta jaun to kaise check karunga main? To main ye check karunga ki agar barish yahan se aa rahi hai to high pressure kahan hai? Ocean mein hai. Low pressure kahan hai? Land pe hai. Wind kaise move karti hai? High pressure se low pressure. Ek hi cheez se maine dono concept samajh liye. और यही आपका पूरा टॉपिक है. बस अब मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ कि ये कैसे हो रहा है. सी क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाय मॉनसून विंड. एज आई सेड कि मॉनसून विंड्स आर ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री. नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट दे आर सेइंग इज ये सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड है और पूरे सिस्टम को कहते हैं मॉनसून. दीज विंड विल गो अप एंड देन द सेम विंड विल कम डाउन. वापस आएंगे. इसीलिए हमें मॉनसून सीजन है और रिट्रीटिंग मॉनसून भी है. रिट्रीटिंग मतलब बाहर जाने वाला मॉनसून. और इस पूरे रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम को यहाँ से जाके यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ मूव होंगी, ये सीधा जाएंगी, फिर यहाँ मूव होंगी, फिर वापस आएंगी बिकॉज ऑफ हिमालय. ये पूरे रिवर्सल सिस्टम को, विंड सिस्टम को कहते हैं मॉनसून. नाउ मॉनसून आर एक्सपीरियंस इन ट्रॉपिकल एरियाज रफली बिटवीन द 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 20 डिग्री साउथ. ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और ज़्यादातर 20 डिग्री. दैट मीन्स अबाउट हियर यू विल एक्सपीरियंस अ लॉट इन दिस रीजन. इसीलिए बेटा आप देखे हो कि कोस्टल एरिया में इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है कंपेयर टू नॉर्थ एंड ऑल. और उसके रीजन भी हम क्लियर करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है. गोइंग अहेड सी अब ये डिफरेंशियल लैंड का हीटिंग और कूलिंग की बात है. जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, अगर गर्म चीज़ है या गर्म है तो वो लो प्रेशर होगा और हाई प्रेशर मतलब ठंडा होगा. और विंड के मूवमेंट ये गर्म और ठंडे के बेसिस पर डिपेंड रहेंगे. सो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास. सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा पॉइंट है कि लैंड मास जो इंडिया का होता है वहाँ पर लो प्रेशर होता है. लॉजिक है, लो प्रेशर होगा तभी तो वो सक करेंगे ना विंड को. और फिर हाई प्रेशर कहाँ होगा? ओशन में होगा. ओशन में क्लियरली लिखना है तो मेडागास्कर के यहाँ होगा, साउथ ऑफ इंडिया होगा, इंडियन ओशन में होगा. आपके बहुत सारी वैरायटी है लिखने के लिए, बस जो सिस्टम है उसे समझ जाइए. शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन इन समर ओवर द गैंजेस प्लेन. अब ये होता क्यों है? वो जो ITCZ हमने आपको बताया था 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, 5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, देन दिस कॉन्वर्जेंस ऑफ विंड एंड इट मूव्स विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन. अब सन जो होता है ना बेटा समर में, वो नॉर्थ की तरफ होता है इंडिया में. तो जहाँ सन है वहीं पर ITCZ शिफ्ट हो जाता है. तो इतना ज़्यादा ऊपर चला गया, गैंजेस प्लेन में आपका ITCZ है, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है आपके मानसून में बहुत ज़्यादा. अब प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर. तो हाई प्रेशर कहाँ है? ओशन में है. ये मेडागास्कर आइलैंड है यहाँ पर, एंड देन उसके राइट साइड में ये पूरी हाई प्रेशर की एरिया. एंड दैट्स द रीजन वाई दिस विंड्स आर ब्लोइंग फ्रॉम दिस एंड, एंड दैट्स वाई दे आर कैरिंग अ लॉट ऑफ वाटर बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम मेडागास्कर टू इंडिया इज टू लॉन्ग. और जितना ज़्यादा विंड ट्रैवल करेंगे थ्रू ओशन दे विल कैरी मोर एंड मोर वाटर. ये बिल्कुल वैसा है कि बाल्टी भर के जितना आप नदी में दौड़ोगे जितना लंबा उतनी ज़्यादा बाल्टी भरेगी. नाउ इंटेंसिटी एंड पोजिशन ऑफ हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून. ये जितना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा उतना ज़्यादा इंडियन मानसून अच्छा होगा, क्योंकि द मोर हाई प्रेशर मीन्स मोर विंड्स मीन्स मोर वाटर मीन्स मोर रेनफॉल. इस कॉन्सेप्ट पे आप टिके रहिए. नाउ टिबेटन प्लेटू एक्सट्रीमली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अ कंट्री गेट इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर. बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो मैंने कहा कि गर्मी मतलब
लो प्रेशर. अब यहाँ पर गर्मी है टिबेट में, मेडागास्कर के ईस्ट में है हाई प्रेशर, यहाँ पर है लो प्रेशर, आपकी एरिया डिसाइडेड है. विंड यहाँ से मूव करेंगी इस तरफ के लिए क्योंकि यहाँ सक्कलेंट है, यहाँ पे खींच रहे हैं विंड्स को और यहाँ से विंड्स को धक्का दे रहे हैं कि उस तरफ को जाइए. नाउ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट. दिस दे वर टॉकिंग अबाउट ITCZ का विच शिफ्ट आई सेड की अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन से ये इतने ऊपर आ जाता है ITCZ और यहीं से फिर मूवमेंट होंगे विंड्स के, डिफ्रेंशिएशन ऊपर को जाएंगे नीचे को आएंगे सब. ये सिंपल सी मैप है. अब उस वक्त में और क्या इम्पैक्ट करता है हमारे मॉनसून पे, मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय. क्योंकि ITCZ ऊपर है, हिमालय है और हिमालय के ऊपर जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ आनी चाहिए थी, दे आर गोइंग लाइक हियर अबव द हिमालय टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय. ये पूरा शिफ्टिंग है. जैसे मैं अगर अपना ये हाथ इसी कॉन्सेप्ट पे रखूँ पैरेलल लाइंस और हिलाऊँ तो ये कवर कर लेगा, ऐसे ही अगर ये मेरा ITCZ है तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स और थोड़े से ऊपर चले जाते हैं. एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द समर. नाउ वेस्टर्ली विल बी हियर, ईस्टर्ली वुड बी हियर साउथ में. तो एक अच्छा खासा पैसेज ऑफ फास्ट मूविंग विंड्स बन जाता है, एक ट्रफ जिसे हम क्रिएट करते हैं वो यहाँ पर रेडी है. नाउ चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द सदर्न ओशंस ऑल्सो अफेक्ट्स द मानसून. ये सदर्न ओशन मतलब बेटा वो ओसिलेशन के टाइम पे जब हमने बात किया था कि एल नीनो का इम्पैक्ट क्या होता है, वो भी बहुत मैटर करता है. देखिए क्यूमुलेटिव फैक्टर्स हैं जो आपके मानसून पर अफेक्ट करेंगे एक साथ, कोई एक चीज़ की वजह से मानसून नहीं हो रही है. Irregular periodic variation in the wind and sea surface temperature over the tropical eastern Pacific Ocean. This is the part I am talking about. Affects the climate of the tropics and subtropics, which is known as southern oscillation. Already I said this is south part of India. So high pressure is here, then low pressure will be here. Now if low pressure is there, the wind will move from high pressure to low pressure. Then from here it will be high pressure, then wind will come back here and this takes 2 to 2.5 years or almost 3 years. ये भी impact करता है और इसका impact किस पे depend होता है, El Nino पे. El Nino is somewhere here. तो if high pressure is here, low pressure will be here. Low pressure is here, high pressure will be here. So ये पूरे concept बेटा, अब ये तो flat देख रहे हो आप but earth तो sphere है ना, तो ये ऐसे जुड़ा हुआ है इसीलिए वो impact इतना लंबा होता है. सोचिए आप पेरू का जो करंट है, पेरू में जो फेनोमेना हो रहा है वो आपके मॉनसून पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है. तो दिस इज व्हाट द ग्लोब इज, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज एनवेलप ऑफ अर्थ विच इज सर्कुलेटिंग द होल ग्लोब एंड देन होल विंड सिस्टम एंड ऑल वर्क इन दिस वे. कोई एक चीज पे नहीं है. सो सदर्न ओसिलेशन भी इम्पैक्ट करेगा आपके मॉनसून पे. ओके सो लेट्स बिगिन विद द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड द विड्रॉल. तो हम मॉनसून सीजन की बात करेंगे. देखिए नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल द सीजन्स एंड ऑल, प्लीज अंडरस्टैंड कि कुछ एक कॉन्सेप्ट होगा विच आई एम गोइंग टू टेल यू. कीप दैट इन माइंड, यू जॉट डाउन द आंसर, आपका आंसर कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कम से कम पढ़ोगे अच्छे से अच्छा लिख पाओगे. सो हियर इन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, मतलब कैसे मॉनसून शुरू होता है. तो पहले देख लेते हैं कि इंडिया में मॉनसून चलता कितना है. तो यू नो इट्स अ 4 month सीजन अराउंड 120 days. इट्स बिगिंस फ्रॉम द अर्ली जून एंड एंड्स अप इन द मिड सेप्टेम्बर. ये मोस्ट ऑफ द कंट्री में मिड सेप्टेम्बर में मॉनसून विड्रॉ हो जाता है. सो ये आपके हो गए सीजन. नाउ हाउ इज मॉनसून गोज इन इंडिया. सी व्हेन द मॉनसून कम्स इट्स एक्चुअली अ नॉर्मल रेनफॉल, बट देन सडनली एट टाइम्स देयर इज एन हैवी रेनफॉल, कंटिन्यूस रेनफॉल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. And that is known as burst, monsoon burst. Word suno ko na, cloud burst. Uttarakhand mein cloud burst hua, bahut zyada jaan ka maal ka sab nuksan ho gaya. So that burst word is sudden rainfall, which is continuous for a long time. So this is known as monsoon burst. Normally it is asked for only 1 marks. Kahin bhi, because see, it will never become a part of a 3 or a 5 marks. Koi aisa conceptual hai nahi. Agar they just ask you ki just give a brief about the onset of the monsoon, then this can be part of it. Otherwise, it's just for 1 marks. So constantly when it is raining for few days and heavy rainfall, then it is known as monsoon burst. Now let's talk about the arrival of the monsoon. Monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula. Ab ye to bada simple si cheez hai, but fir bhi dhyan rakhiye.
winds when they are coming from the Indian Ocean, जो कि मैडागास्कर से आ रही हैं, तो लॉजिक सी बात है, they are going to hit the southern part first. So monsoon hits at the southern part and then the winds move inward towards the inland and then we get the rainfall from south to north. ये लॉजिक याद रखिए आप अपना. तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में मॉनसून हिट होती हैं हमारे सदर्न कोस्ट पे एंड देन इट प्रोसीड्स इनटू टू डिफरेंट ब्रांचेस. दिस इज अरेबियन सी ब्रांच एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच. एक बहुत अच्छी चीज याद रखिए, बोथ द ब्रांचेस हिट द कोस्ट ऑन द सेम डे और अराउंड द सेम डे. तो फर्स्ट जून या फर्स्ट वीक ऑफ जून में अगर अरेबियन सी की ब्रांच हिट करती है कन्याकुमारी को, तो बाय द सेम टाइम बे ऑफ बंगाल ब्रांच रीचेस टू मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. तो ये एक दोनों मॉनसून विंड का डायरेक्शंस और स्पीड के बारे में आपको बता रहे हैं. सो दो ब्रांचेस कौन से हैं, अरेबियन सी ब्रांच है और एक है बे ऑफ बंगाल ब्रांच. अरेबियन सी ब्रांचेस रीचेस मुंबई अप्रॉक्सीमेटली इन 10 डेज. तो अगर फर्स्ट जून को मैंने हिट यहाँ पे किया है तो 10 दिनों में आई विल रीच अप टू मुंबई एंड देन इन 15 डेज आई विल कवर अप द गुजरात एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री आई विल एंटर. तो ये आपका अरेबियन सी का है ब्रांच का मूवमेंट. ये देखिए टेंटेटिव डेट्स है बेटा, इट्स नॉट कि 10 बजे है तो 10 बजे ही आएगा और 10 तारीख है तो 10 तारीख को ही आएगा. यस, ऊपर नीचे होते रहेगा क्योंकि विंड्स हैं और प्रेशर जैसे अप एंड डाउन होगा, आपका जो रेनफॉल है उसका रीच भी डिफर कर जाएगा. बट ये है कि फर्स्ट वीक में वो हिट ज़रूर होगा एंड देन इट विल रीच अप टू द होल पार्ट ऑफ द कंट्री विद इन द होल जून. तो जून जुलाई में वो पूरी कंट्री को कवर कर लेंगे. बे ऑफ बंगाल ब्रांच अराइव्स इन आसाम इन दैट फर्स्ट वीक ऑफ जून. एज आई टोल्ड यू कि दोनों ही ब्रांचेस सेम टाइम पर हिट करती हैं हमारे लैंड मास को. अरेबियन सी ब्रांच जो है तो सौराष्ट्र और कच्छ को या सेंट्रल पार्ट को लगभग 15 से 20 दिन में कवर कर लेती हैं. सो एक चीज़ याद रखिए, द टाइम दे हिट द सदर्न मोस्ट कोस्ट ऑफ द कंट्री एंड द टाइम दे कवर द होल नेशन, इट ऑलमोस्ट टेक अराउंड अ मंथ. तो धीरे धीरे, एंड वाई इट्स अ मंथ, एक साथ क्यों नहीं होता है, क्योंकि बेटा वंस द विंड्स एंटर हियर दे हिट्स द लैंड मास एंड एज सून एज दे हिट्स द लैंड मास कॉन्डेंसेशन होता है और फिर आपकी बारिश शुरू होने लगती है. तो जितना ज़्यादा वो पानी लाते हैं उतना ज़्यादा पोरिंग चालू हो जाएगी. सो थोड़ा सा वक्त लग ही जाएगा पूरे कंट्री में फैलने तक. अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मॉनसून मर्ज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गैंजेस प्लेन. देखिए, दिल्ली रिसीव्स द रेनफॉल फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. ये चीज ध्यान रखना, दो बोथ द ब्रांचेस मर्ज इन हरियाणा एंड पंजाब वाला रीजन, बट दिल्ली रिसीव्स द रेनफॉल फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. ये आपका बहुत सिंपल सी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है. बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान, ऑल दीज पार्ट विल रिसीव द रेनफॉल. मिड जुलाई हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री विल गेट द रेनफॉल. एज आई टोल्ड यू दैट इट विल टेक अराउंड अ मंथ टू कवर द होल कंट्री. इट्स अ बिग कंट्री विथ सो मेनी फिजिकल रिलीफ्स, सो वो थोड़ा सा टाइम ले ही लेते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द विड्रॉल ऑफ द मॉनसून. देखिए, विड्रॉल ऑफ द मॉनसून बिगिंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ द कंट्री इन अर्ली सेप्टेम्बर. एज आई सेड कि मिड सेप्टेम्बर में द होल मॉनसून फॉर द कंट्री विल बी विदड्रॉन. तो अर्ली सेप्टेम्बर में शुरू होता है, मिड अक्टूबर में इट रिमूव्स और इट गोज आउट ऑफ द होल कंट्री. सबसे लास्ट विड्रॉल अंडमान निकोबार आइलैंड से होगा. लॉजिक है क्योंकि सबसे लास्ट वही है ऊपर से नीचे आने के तरह, वो सबसे पहले वहाँ पे होता है तो सबसे लास्ट विड्रॉल भी वहीं से होगा. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विड्रॉल ऑफ मॉनसून टेक्स प्लेस फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. ये सदर्न पार्ट का है बिकॉज देयर इज एन स्टेट इन साउथ विच इज तमिलनाडु रिसीव्स द रेनफॉल फ्रॉम द रिट्रीटिंग मॉनसून. तो वहाँ पे मॉनसून दिसंबर और जनवरी के वक्त में होती है. तो फाइनल पूरा विड्रॉल हमारा मॉनसून का दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाता है. सो दिस वॉज अबाउट द विड्रॉल ऑफ द मॉनसून.